हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैंने पिछली वीडियो में आपको पाठ चार का अनुवाद करवाया था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे के बारे में बताती हूँ कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, उनके स्कूल में खेल प्रतियोगिता है उसके बारे में। तो कहते हैं कि हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता होंगी कबड्डी की, जूडो की, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज आदि की प्रतियोगिताएँ होंगी, तो उनके बारे में वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो जितना हमने पढ़ा दिया था उसे आगे देखिए बच्चों। इंदर इंदर कहता है हुमे किम त्वम न क्रीडसि, हुमा को कहता है इंदर कि क्या तुम नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन भगिनी होती है बच्चों, बहन तू का मतलब तो मम पक्षे मेरे पक्ष में या पाले में, क्रीडति मतलब खेल रही है। तो हुमा क्या आंसर देती है, कहती है नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे चलचित्र होता है बच्चों सिनेमा, रोचते मतलब अच्छा लगता है, नहीं मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, परम परंतु अत्र अहम, अत्र मतलब यहाँ, अहम मतलब मैं, दर्शक रूपेण, दर्शक मतलब देखने वाला, ठीक है, जो जब वो खेल प्रतियोगिताएँ होंगी तो दर्शक भी वहाँ बैठे होंगे, तो मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में स्थास्यामी मतलब रुकूंगी। फेकने फेकन कहती है अहो पूरण कुत्रस्ति, अरे पूरण कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरण कहाँ है। किम से कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम किम का मतलब बच्चों क्या, से मतलब वह, कस्यामपि किसी भी, स्पर्धायां का मतलब है प्रतियोगिता में, प्रतिभागी नहीं है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। तो रामचरण कहता है सह दृष्टुम न शक्नोति, वह देखने में समर्थ नहीं है, अर्थात वह देख नहीं सकता है, समझ आ रहा है बच्चों। और रामचरण कहता है कि वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै तस्मै मतलब उनके लिए, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए, तू का अर्थ है तो, विशेष व्यवस्था वर्तते खास व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। अर्थ समझिए बच्चों इसका कहने का, कि जो किसके बारे में बात हो रही थी, पूरन, जो पूरन लड़का है वो देख नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए उनके स्कूल में इस तरह के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई करवाने के लिए खास व्यवस्था करवाई गई है। लेकिन उन ऐसे बच्चे जो शरीर से कहीं ना कहीं किसी अंग से लाचार हैं, ठीक है, जिनका कोई अंग कार्य नहीं करता है, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई की तो व्यवस्था है उनके स्कूल में, लेकिन खेलने का कोई खास प्रबंध नहीं है, इसलिए वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। तो हुमा कहती है अयम कथमपि न न्याय संगत है, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत, न का मतलब नहीं, न्याय संगत होता है बेटा उचित, यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है, कि अगर किसी को शारीरिक रूप से अगर किसी में कोई कमी है तो उसे क्या खेलने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए खेलने की। ये वो कहना चाह रहे हैं कि वो खेल नहीं पा रहा है किस वजह से, कि वो देख नहीं सकता, तो ये कह रहे हैं कि गलत बात है, ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम है, जो पूर्ण है वो सक्षम है, सक्षम मतलब खेलने में सक्षम है, उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो खेल ना पाए। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन वो खेल नहीं सकता किस कारण से, प्रबंधन के अभाव के कारण, मतलब व्यवस्थाओं की कमी के कारण। बेटा जो बच्चे हर तरह से समर्थ हैं, शारीरिक रूप से अच्छे से सक्षम हैं, उनको तो खेलने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से लाचार है किसी भी अंग की वजह से, तो उनके खेलने के लिए खास व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, और उस प्रबंधन का स्कूल में अभाव है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रबंधन की कमी के कारण, सुविधाओं की कमी के कारण वो खेल नहीं पा रहा है। इंदर इंदर कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति,
हमारे, अस्मा का मतलब हमारे, तादृशानी मतलब उसके जैसे, तादृशानी का अर्थ है उसके जैसे अनेक मित्र दोस्त हैं, हमारे उसके जैसे अनेक दोस्त हैं। किसके जैसे बेटा, किसके बारे में बात हो रही है, पूरण के बारे में, जो देख नहीं सकता है। तो मतलब वो कह रहे हैं बच्चे कि पूरण के जैसे हमारे और भी कई दोस्त हैं जो कैसे हैं, शारीरिक रूप से कहीं ना किसी अंग से लाचार हैं, ऐसे कई और भी दोस्त हैं। वस्तुतः तानी अन्यथा समर्थानी, वास्तव में वो अन्य प्रकार से समर्थ होते हैं। समझ में आया बच्चों, वास्तव में वो अन्य प्रकार से समर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, अगर भगवान किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से किसी अंग की वजह से लाचार बनाता है, तो किसी न किसी और क्षेत्र में उन्हें एक्स्ट्रा क्वालिटी देता है। यह यथार्थ है कि अगर कोई किसी भी वजह से लाचार है किसी अंग की वजह से, तो उनमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। ये कहना चाह रहे हैं वो कि बेशक वो दोस्त जो हमारे हैं वो देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, किसी भी वजह से परेशान हैं, लेकिन वो किसी और तरह से समर्थ हैं, किसी और क्षेत्र में उनमें बहुत क्वालिटी है। फेकन कहते हैं, अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामे, इसलिए हम सब, वयम का अर्थ होता है जो हम सब प्राचार्य जो प्रधान अध्यापक हैं उनके हैं, उनसे मिलामे मतलब मिलेंगे, इसलिए हम सब अपने प्रधानाचार्य से मिलते हैं। तम कथयाम, और उनसे हम इस बारे में कहेंगे, और शीघ्र में जल्दी ही तेषाम कृते, तेषाम मतलब उनके, कृते मतलब लिए, जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था भविष्यति प्रबंध हो जाएगा। व्यवस्था मतलब प्रबंध, भविष्यति मतलब हो जाएगा। किस चीज़ का प्रबंध हो जाएगा, खेलने का, ठीक है, जल्दी ही उनके लिए खेलने का प्रबंध हो जाएगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये अनुवाद समाप्त हो गया है, सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।